हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया, इंडियन फूड विद प्रिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, त्योहारों का सीजन तो शुरू हो चुका है और इस त्योहार में घर में मिठाई तो जरूर आती है, या तो हम इसे बनाते हैं। तो आइए, आज हम बनाने वाले हैं लवांग लता, जो उत्तर भारत की फेमस रेसिपी है। यह रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी आती है, आप इसे किसी भी त्योहार पे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, लवांग लता बनाने के लिए पहले हम खोआ तैयार कर लेंगे। तो खोआ तैयार करने के लिए मैंने ये पैन लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी के मेल्ट होने के बाद इसमें हम दूध डाल देंगे। थोड़ा सा दूध डालना है हमें, मलाई भी रहेगी तो भी चलेगा। अब हम इंस्टेंट खोआ बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने लिया है मिल्क पाउडर। तो 1 कप मिल्क पाउडर इसमें डाल देंगे। अब इसे क्या कर लेना है, हमें इसका खोआ तैयार कर लेना है। तो दूध के साथ हमें इसे क्या करना है, गाढ़ा कर लेना है। तो लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है। इसके अंदर हम अभी चीनी ऐड कर देंगे, तो स्वाद के अनुसार इसमें चीनी डालेंगे। वैसे भी मिल्क पाउडर पहले से मीठा होता है, तो 2 चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारा मिल्क पाउडर है दूध में मिलकर कुछ इस तरीके का हो गया है। लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है ताकि ये थोड़ा सूख जाए, गीला नहीं होना चाहिए। तो इसे हम थोड़ा और पकाकर गाढ़ा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा खोआ बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। गैस हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा खोआ ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए लिया है मैंने ये मैदा। आप चाहे तो लवंग लता को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, या तो आप गेहूं का आटा और मैदा दोनों मिलाकर बना सकते हैं। 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लेकर भी आप इसे बना सकते हैं। अब इस मैदे में हम डालेंगे तेल। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल ले लिया है। और उससे हमें क्या करना है, पहले अच्छे से मोइन कर लेना है। अच्छी तरीके से इसे हमें क्या करना है, मैदे में मिला लेना है। इससे क्या होगा, जो हमारा लवंग लता बनेगा वो बहुत ही खस्ता बनेगा। देखिए, आटा हमारा इस तरीके से बन रहा है ना, यानी इसमें तेल अच्छे से मिक्स हो गया है। आप तेल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। अब पानी की सहायता से हम आटा गूंथ करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आटा गूंथ करके मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसे हल्के गीले कपड़े से ढक करके रख देंगे। और फ्रेंड्स, लवंग लता के लिए चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है। इसमें डालेंगे ये 1 कप चीनी और उतना ही हम पानी भी डाल देंगे और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी हमें पतली चाशनी बनानी है, गाढ़ी नहीं बनानी है। बस शक्कर जो है वो पानी में अच्छे से घुल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये चाशनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। ऐसे ही बनाना है हमें, थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए इस तरीके का हमें रखना है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है। गैस हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लवंग लता की स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ये खोआ ले लिया जिसे मैंने बनाया था, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। इसमें मैं कटे हुए काजू डाल रही हूँ और कटे हुए किशमिश डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके का हमें शेप दे देना है, ऐसा शेप बनाना है और उसको लंबाई आकार में इस तरीके से आप शेप दे दें। इस तरीके से हमें शेप देके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से हमें शेप दे देना है। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। अब मैंने ले ली है एक लोई और इसको क्या करना है, हमें बेल लेना है। तो थोड़ा सा सूखा आटा हम लगा लेंगे इसमें और इसको लंबा करके हमें बेल लेना है। तो इसे हम बेल लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने बेल लिया है, इतना बड़ा हमें बेलना है। अब इसमें हम स्टफिंग रख देंगे। तो ये हम स्टफिंग रखेंगे, किनारों पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। बीच में हमें स्टफिंग रखना है इस तरीके से और इसे हमें ऐसे करना है, इसे मोड़ देना है, फिर इस तरीके से मोड़ना है।
अब हम इसे पलट देंगे। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ मोड़ देंगे और फिर इस तरीके से हमें मोड़ देना है। इस तरीके से मोड़ने के बाद इसमें हम लवंग लगा देंगे। तो मैंने ये लिया है लवंग और इस पर इस तरीके से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमें क्या करना है, लवंग लती का बनाना है। तो इसी तरीके से बाकी आटे से भी हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने पॉकेट के जैसा ये लवंग लता बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पे, फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब हम इसमें अपनी लवंग लता डालेंगे और धीमी आंच पे ही हमें इसे फ्राई करना है। जैसे हम समोसे फ्राई करते हैं ना, उस तरीके से हमें इसे फ्राई करना है। धीमी आंच पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसको हम दूसरी तरफ पलट देंगे इसे हल्के से। देखिए इसमें सुनहरा कलर आने लगा है, लेकिन हमें इसे धीमी आंच पे ही पकाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अलट पलट के मैंने ये लवंग लता को फ्राई कर लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और इसी तरीके से बाकी लवंग लता भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब इस लवंग लता को हम चाशनी में डालेंगे। अब चाशनी के अंदर लवंग लता को डाल देंगे और इसके ऊपर अच्छे से ऊपर से भी हम चाशनी डाल देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, लवंग लता को मैंने चाशनी में डाल दिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये लवंग लता बनकर तैयार हो गया है। ये खस्ता लवंग लता आप जरूर ट्राई करें। मैंने इस पर काजू से गार्निश किया है। आप किसी भी त्योहार में इसे बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।